नमस्कार, हठयोग प्रदीपिका में ये बात बताई है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसका मतलब है कि जब आपकी सांसें ही डिस्टर्ब होती है तो आपका मन भी अशांत होगा ही, और जब सांसें स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। मन सांसों के साथ जुड़ा हुआ है और सांस का सीधा प्रभाव मस्तिष्क में होता है। प्राणायाम, जो कि हमारी सांसों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया है, केवल हमारी सांसें ही नहीं मन की स्थिति को भी बदल सकता है। अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप फर्क ज़रूर महसूस करेंगे। आज मैं आपको 5 प्राणायाम टेक्निक्स बताऊंगी जो मेंटल क्लैरिटी को सुधारने में काफ़ी प्रभावी है। पहला प्राणायाम है शून्यक, जिसमें सांस को लंबी अवधि के लिए रोका जाता है। इस प्राणायाम में पूरी तरह से एक्सहेल करने के बाद सांस को रोका जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में सीधा बैठना है, जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। अब यहाँ पूरी तरह से लंबी सांस छोड़ें, महसूस करें कि अब अंदर कुछ बचा ही नहीं है। पूरी सांस छोड़ने के बाद में अपने पेट को अंदर की ओर खींच लें। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रुके रहें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरी सांस पहले तो भरे और फिर खाली करने के बाद में थोड़ी रुकावट से आप वो खालीपन का अनुभव करें। सांस छोड़ने के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट को पूरी तरह से अंदर जाते हुए महसूस करें और फिर पेट को ढीला करें और फिर सामान्य रूप से सांस अंदर लें। ये 1 से 2 बार करें और फिर 4 से 5 बार रिपीट करें। इस प्राणायाम से आपके फोकस में, एकाग्रता में सुधार होगा और मन शांत होगा। इससे आपका सुस्त कोलोन उत्तेजित होगा और फूले हुए फेफड़े और दिल की उच्च धड़कन को सामान्य करेगा। दूसरा प्राणायाम है कुंभक, जहां सांस को अंदर रोका जाता है। इस प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें, सुखासन या पद्मासन। आपकी आंखें बंद करें और अपनी आंखों को सामने एक पॉइंट पर फिक्स करें। पूरी तरह से सांस छोड़ें और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से सांस अंदर लें। आप अपनी ब्रीदिंग ड्यूरेशन का एक मेंटल चार्ट बनाएं। अगर आपने 4 सेकंड तक सांस ली है तो 8 सेकंड तक आप सांस को रोकें, सामान्य रूप से सांस छोड़ें और इस प्रक्रिया को 4-5 बार दोहराएं। इस प्राणायाम से आपके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, जिससे बेहतर ऑक्सीजन इंटरचेंज होता है और आपका सामान्य श्वास और फोकस में सुधार होता है। तीसरा प्राणायाम है रेचक, जिसमें लंबा एक्सहेलेशन होता है। इस प्राणायाम को करने के लिए फिर से आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठिए, सुखासन या पद्मासन। पहले पूरी तरह से सांस लें और फिर सांस को पूरी तरह से छोड़ दें और पेट को अंदर की ओर ले जाएं। 3 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लें, 5 सेकंड तक सांस को रोकें और 12 सेकंड तक लंबा एक्सहेलेशन करें। ये प्रक्रिया कभी कभी कठिन हो सकती है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हवा एक झटके के साथ बाहर निकल जाए, और इसीलिए प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन पर फोकस किया जाता है। अगले राउंड से पहले कुछ सामान्य सांसें लें। हर एक राउंड के बीच में 4-5 राउंड का अभ्यास करें और फिर रिलैक्स करें। इस प्राणायाम का उद्देश्य अपनी परेशानियों को छोड़ना है। इससे ऑक्सीजन बेहतर होती है, क्योंकि इधर आपके लंग पर दबाव होता है। लंबी एक्सहेलेशन के कारण बेहतर वेंटिलेशन होता है और आपके एल्वियोलाई के माध्यम से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये आपके थॉट्स को कम करता है, कॉन्सेंट्रेशन में सुधार करता है। हमारे पास एक लोकप्रिय प्राणायाम है जिसे अनुलोम विलोम और अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कहते हैं। होता ये है कि हम लगभग 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट एक बाजू से सांस लेते हैं और उतनी ही अवधि तक छोड़ते हैं। फिर अपने आप ही दूसरी नॉस्ट्रिल 1.5 घंटे के लिए सांस लेने लगती है। ये प्राणायाम प्राकृतिक सांस लेने के तरीके को नियंत्रित करता है और शरीर मन के साथ सांस लेने में सकारात्मक नियंत्रण बनाता है। अब
इस प्राणायाम के स्टेप्स को ध्यान से सुनें। आप किसी भी मेडिटेटिव पॉस्चर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, अपने हाथों को घुटनों पर रखें, अपने हाथ को प्रणव मुद्रा में लाएं, पहली दो उंगलियों को अंगूठे से मिलाएं और बाकी उंगलियों की मुट्ठी बनाएं। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से और छोटी उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और 2 सेकेंड तक सांस को रोकें और राइट नॉस्ट्रिल से 2 सेकेंड तक सांस लें। इस समय दोनों नॉस्ट्रिल्स 4 सेकेंड्स के लिए बंद करें, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलें और 2 सेकेंड के लिए सांस छोड़ें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करें और 2 सेकेंड के लिए सांस को रोकें। ये पूरे प्रोसेस को रिपीट करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोल कर अब शुरू करें और इस तरह कंप्लीट राउंड को पूरा करें। अनुलोम विलोम से लंग पे दबाव पड़ता है, लाभकारी परिवर्तन होता है और बेहतर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका नर्वस सिस्टम पर लाभदायी प्रभाव होता है। इस प्राणायाम को करते समय सही टेक्निक का पालन करना जरूरी है। ये आपके फोकस को सुधारता है, एनर्जी बैलेंस में लाता है और आपके दर्द और समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। अब आखिरी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमिंग बी प्राणायाम भी कहते हैं। भ्रामरी शब्द संस्कृत का है, जो भ्रमर से आया है, जो है काले भारतीय भंवरे। इस प्राणायाम से भ्रमर की आवाज़ की गुंजन को ध्यान में लिया जाता है। ये हमिंग ध्वनि आपके सर के क्षेत्र में घूमती है, जिससे एकता और ध्यान की भावना आती है। ये करने के लिए आरामदायक मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएं, पीठ सीधी, सर सीधा, अपने हाथों को घुटनों पर आराम से रखें, हथेलियां नीचे की ओर, मुंह को पूरी तरह से बंद रखें। पहले गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमिंग बी की आवाज़ करें। आवाज़ बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे वाइब्रेशन पैदा होने चाहिए। आप इस प्राणायाम के दौरान अपने कानों को हल्के से उंगलियों से बंद कर सकते हैं। इस प्राणायाम को 4-5 बार रिपीट करें। ये प्राणायाम लंबा एक्सेलेशन का हिस्सा है और ये आवाज़ आपके रिलैक्सेशन को ले आती है। ये भ्रामरी प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसे नियमित रूप से प्रैक्टिस करें और आप शांत मन के आदि हो जाएंगे। ये प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। ये 5 प्रभावी प्राणायाम की टेक्निक्स है, जो आपके मन में क्लैरिटी लाना आसानी से कर सकते हैं। अब मेंटल क्लैरिटी को सुधारने के लिए लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना जरूरी है ना, और अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। शुभमस्तु, नमस्कार।